आंखों की करामात। अक्सर लोग जब किसी से मिलते हैं आंखों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी आंखें वो जादुई अंग हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बिना कोई शब्द कहे अपना मुरीद बना सकती है, मगर उसके लिए आपको इस जादुई अंग का उपयोग करना अच्छे से आना चाहिए। हमारी दूसरी ज़रूरी बात भी इन्हीं आँखों से ही जुड़ी हुई है, लेकिन आँखों के बारे में वो कौन सी खास बात है जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए। एक बार लेखिका एक सेमिनार में भाषण दे रहे थे, जहां सैकड़ों की भीड़ होने के बावजूद भी उनकी नज़र बार बार एक ही महिला पर जा रही थी। आखिर उस महिला में ऐसा क्या खास था जिसके कारण लेखिका बार बार उसे ही देखे जा रहे थे। दरअसल वो महिला पूरी सेमिनार के दौरान लेखिका को अपनी आँखों से निहार रही थी। इससे लेखिका को ये एहसास हुआ कि महिला उनके सेमिनार में काम की गहरी रुचि रखती है। इसी कारण सेमिनार के बाद लेखिका उस महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलने गए और उनसे पूछा कि क्या वाकई में आपको मुझसे मिलना इतना पसंद आया। तब उस महिला ने जवाब दिया, दरअसल मुझे आपकी अधिकतर बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई क्योंकि आप हर बार इधर से उधर चल रहे थे। इस कारण मुझे आपकी ओठ पढ़कर शब्द बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण मुझे आपको बेहद ध्यान से देखना पड़ रहा था। लेखिका को इस बात से बहुत हैरानी हुई। जो महिला सुन नहीं सकती, यदि वो भी उन्हें ध्यानपूर्वक देखती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसा वो सामने वाले की बातों में बेहद दिलचस्पी ले रही है। नज़रें मिलाना हमारे समाज में अक्सर आंखें दिखाने के बराबर माना जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने का अर्थ उस व्यक्ति से असामान्य पूर्वक तरीके से बात करने के बराबर है, मगर ये बात एकदम गलत है। वहीं बल्कि किसी से नज़रें मिलाकर बात करने से हमारी बात ज़्यादा प्रभावित होती है। ये बात कई विश्वविद्यालयों के शोध में भी साबित हो चुकी है। ऐसा ही एक शोध मेल यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने भी किया। उन्होंने लड़के और लड़कियों के कुछ जोड़ों को एक दूसरे से बात करने को कहा। ये सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे इनमें से कुछ लोगों को ये कहा गया कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति को पलक झपकाने पर ध्यान दें। वास्तव में ऐसा कहने का कारण ये था कि वो लोग अपने सामने खड़े व्यक्ति के साथ आई कांटेक्ट बना सकें। जब ये रिसर्च पूरी हुई तब मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि लोगों ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की आँखों में देख कर बात की थी, वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को प्रभावित करने में ज़्यादा सफल हुए। दूसरी ओर वो लोग जो आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहे थे वो अपना प्रभाव बेहतर नहीं बना पाए। तो दोस्तों, यहीं से हमारी दूसरी तकनीक निकल कर आती है, जो ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो उससे नज़रें मिलाकर बात करें। इससे उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि आप उसकी बातों में बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे बात करने में हमेशा उत्सुक रहेगा। नज़रों से जुड़ी एक और ख़ास बात है जो अक्सर कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि कई बार हम समूह में खड़े उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते जो वो बोल रहा होता है, बल्कि हम उस व्यक्ति पर ध्यान देते हैं जिसमें हमें दिलचस्पी होती है। इस कारण वो व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर मेरी ओर क्यों देख रहा है। इसी से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उस व्यक्ति को शायद मुझमें दिलचस्पी है। इस तरकीब का उपयोग कई बार पुलिस अपनी पूछताछ के दौरान भी करती है। इसमें जब भी कोई व्यक्ति अपना बयान दे रहा होता है तब पुलिस उसके साथ ही लोगों के चेहरे की ओर देख रही होती है, उसके साथियों पर आ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश करती है, जिससे ये पता लगता है कि वो लोग अपने साथी के बयान पर क्या सोचते हैं। इस तरकीब को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस भी व्यक्ति में दिलचस्पी रखते हैं उसे अपनी नज़रों द्वारा विशेष आकर्षण का केंद्र बनाएं। इससे उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो आपके लिए कितना खास है।